वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो देखी, हमने कैलेंडर की कुछ वीडियोस बनाई थी, क्वेश्चन आंसर किए थे, मैंने एक्सप्लेन किया था, डेफिनेशन की थी। आज हम और क्वेश्चन एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 10 अप्रैल को बुधवार था तो 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा? यदि 10 अप्रैल को वेनसडे था तो 7 नवंबर को कौन सा दिन डे होगा? सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, पर मैंने अप्रैल से नवंबर दे रखे, तो हम क्या करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल के हमारे कितने डेज रिमेनिंग रहेंगे? 20। मई में कितने डेज होते हैं? 31। जून में 30। जुलाई में 31। अगस्त में 31। सितंबर 30। अक्टूबर 31। नवंबर में कितने डेज दे रखे हमें? 7। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे। टोटल डेज हमारे ये कितने आएंगे? 2111, मतलब 211 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा? 1। अब हमारा बुधवार दे रखा था, बुधवार में हम क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। थर्सडे क्या हो गया हमारा? आंसर। थर्सडे क्या हो गया हमारा? आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 16 अक्टूबर को मंगलवार था तो 15 मई को कौन सा दिन होगा? यदि 16 अक्टूबर को ट्यूसडे था तो 15 मई को कौन सा डे होगा? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मई, अक्टूबर से हमें मई दे रखे, तो हम क्या करेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हम क्या करेंगे, रिवर्स चलेंगे। अगर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमारा वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं मेंशन कि हमने नेक्स्ट ईयर में जाके 15 मई का काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे, मई से काउंट करेंगे। मई क्या है हमारा, मई के कितने डेज दे रखे हैं? 15। कितने होते हैं? 31। 31 में से 15 लेस करेंगे, क्या आ जाएगा? 16। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 16, क्योंकि अक्टूबर के हमें क्या दे रखे हैं? 16 डेज मेंशन है। और क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर देंगे सबको, क्या आ जाएगा, 154 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। अगर हमारा इसमें क्या होगा, कुछ भी रिमेनिंग पार्ट नहीं बचेगा, क्या आ जाएगा, 0 दे आएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्यूसडे हमें गिवन है, ट्यूसडे में हम क्या ऐड कर देंगे, 0, तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। आंसर आ गया ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 अप्रैल को वीरवार था तो 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा? यदि 25 अप्रैल को वीरवार था तो 7 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 25 अप्रैल को थर्सडे था तो 7 नवंबर को कौन सा डे होगा? सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब हमें अप्रैल से नवंबर में जाना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अप्रैल में 25 डेज दे रखे हैं, तो कितने डेज रिमेनिंग रहेगा? 30 में से 5। मई में कितने होते हैं? 31। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में कितने डेज गिवन है? 7। तो हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड करके क्या कर देंगे, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 196 को डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो रिमेनिंग पार्ट क्या बच जाएगा? 0। और हमें क्या गिवन है? थर्सडे। थर्सडे में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। तो आंसर आ गया हमारा थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 25 जुलाई 2006 को सोमवार था तो 25 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? यदि 25 जुलाई 2006 को मंडे था तो 25 जुलाई 2007 को कौन सा डे होगा? अब हमें क्या दे रखा है, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, बट ईयर चेंज है हमारा, तो ईयर चेंज में हम क्या करते थे, डिफरेंस देखेंगे इनका, कितना साल का डिफरेंस है, 1 ईयर का, तो क्या कर देंगे, मंडे में हम 1 को ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। तो क्या आ गया आंसर, ट्यूसडे। 2006 और 7 का डिफरेंस कितना है, मंडे एक साल का। अब ये लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होता तो हम 2 ऐड करते, अब ये बट लीप ईयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, मंडे में 1 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। आंसर आ गया ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 मार्च 2019 को मंगलवार था तो 5 मार्च 2033 को कौन सा दिन होगा? यदि 5 मार्च 2019 को मंगलवार था तो 5 मार्च 2033 को कौन सा दिन होगा? अब हमें डे भी सेम है, मंथ भी सेम है, बट ईयर अलग अलग है, कितने ईयर का डिफरेंस है,
33 में से 19 को लेस करेंगे क्या देगा 14। 14 का देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं 14 प्लस हमने 4 क्यों किया, क्योंकि हमारे 4 ईयर हमारे लीप ईयर आए हैं। 33 में जो 19 तक हमने डेज देखे थे उसमें क्या आए थे, 4 बार हमारे लीप ईयर आए हैं। तो 14 प्लस 4 18 को डिवाइड कर देंगे किससे, नंबर ऑफ डेज से, तो क्या किससे डिवाइड करेंगे 7 से, रिमेनिंग क्या बच जाएगा हमारा 4। तो क्या होगा, हमें क्या गिवन था ट्यूजडे, ट्यूजडे में हम क्या कर देंगे 4 डेज ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा सैटरडे, सैटरडे क्या आ गया हमारा आंसर, सैटरडे क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 18 अगस्त 2005 को सैटरडे था तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, 18 अगस्त 2005 को सैटरडे था तो 18 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। अब हमें डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, बट ईयर में हमारा चेंजेस है, तो क्या करेंगे हम देखते हैं, 2025 में से 2005 को लेस कर देंगे क्या आ जाएगा 20, 20 का डिफरेंस हो गया, बट हमारे लीप ईयर कितने आएंगे इसमें ये देखते हैं, 5 आएंगे, 20 प्लस 5 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डेज से, 7 से डिवाइड कर देंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 7 से क्या आ जाएगा, कितना रिमेनिंग बच जाएगा 4, 4 हमारा क्या बच गया रिमेनिंग, सैटरडे में हम क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे, वेडनेसडे क्या आ गया हमारा आंसर, वेडनेसडे क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 13 दिसंबर 1986 को बुधवार था तो 13 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, यदि 13 दिसंबर 1986 को वेडनेसडे था तो 13 दिसंबर 2019 को कौन सा डे होगा। देखते हैं सॉल्यूशन, हमारा 2019 और 86 में डिफरेंस कितने का है 33 का, 33 में प्लस हम हमारे वो कितने होंगे लीप ईयर 8 प्लस हम क्या कर देंगे 8 हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, तो क्या करेंगे ऐड कर देंगे 41, 41 में 7 को डिवाइड करेंगे रिमेनिंग क्या बच जाएगा 6, तो वेडनेसडे में 6 को ऐड कर देंगे ट्यूजडे आ जाएगा आंसर, आ गया हमारा ट्यूजडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 21 जून 2023 को संडे था तो 21 जून 2003 को कौन सा दिन होगा, 21 जून 2023 को सैटरडे संडे था रविवार था तो 21 जून 2003 को कौन सा दिन होगा। ऑप्शन सॉल्यूशन देखते हैं, अब हमारा डिफरेंस कितना होगा 23 और 3 का 20 का, लीप ईयर कितने हो गए 5, तो हम क्या करेंगे 20 प्लस 5 25 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे 4, तो हम क्या करेंगे संडे में, अब हमें क्या करके 23 पहले गिवन है और 3 हमारा हमें 3 का बताना है, मतलब उल्टा जाना है, क्या होगा रिवर्स में जाना है, तो हमारा संडे 2023 को संडे था तो अब 2023 में संडे था तो 3 का बताना है, संडे 4 में से हम क्या कर देंगे संडे को लेस कर देंगे, मतलब पहले हम ऐड कर रहे थे संडे में 4 डेज ऐड हो जाएंगे, अब हम क्या करेंगे 4 डे लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 माइनस संडे कर देंगे तो क्या आ जाएगा वेडनेसडे, आंसर आ गया वेडनेसडे, आंसर आ गया हमारा वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यदि 2 जनवरी को सैटरडे था तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यदि 2 जनवरी को सैटरडे था तो 17 जनवरी को कौन सा दिन होगा, 2 जनवरी को सैटरडे था। नेक्स्ट आंसर सॉल्यूशन देखते हैं, 17 माइनस 2 क्या आ जाएगा 15, 15 को डिवाइड किससे करेंगे नंबर ऑफ डेज से 7, रिमेनिंग क्या बच जाएगा 1, संडे सैटरडे हमें गिवन है सैटरडे में हम 1 ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा संडे, संडे क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 मार्च को संडे था तो 28 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, यदि 5 मार्च को संडे था तो 28 मार्च को कौन सा दिन रहा होगा, 28 में से 5 को लेस कर देंगे क्या आ जाएगा 23, 23 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बच जाएगा हमारा 2, रिमेनिंग पार्ट हमारा क्या बच जाएगा 2, संडे में हम 2 डेज ऐड कर देंगे, संडे में 2 डेज ऐड करेंगे ट्यूजडे आ जाएगा, ट्यूजडे क्या आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।